बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान इंडस्ट्री के सबसे पॉपुलर स्टार किड्स में से एक हैं। आर्यन ने भले ही फिल्मों में बतौर हीरो अभी अपना डेब्यू नहीं किया है, लेकिन पॉपुलैरिटी के मामले में वो बड़े बड़े स्टार्स को टक्कर देते हैं। आर्यन की तस्वीरें अक्सर ही सोशल मीडिया पर छाई रहती है। फैंस शाहरुख के बेटे के स्टाइल और उनके चार्म को काफी पसंद करते हैं, लेकिन आर्यन बहुत ही कम उम्र में ही कई कंट्रोवर्सीज का शिकार बन चुके हैं। आइए डालते हैं उन कंट्रोवर्सीज पर एक नजर। आपको बता दें कि आर्यन विवादों में आए थे जब सोशल मीडिया पर एक MMS वायरल हुआ था। इस वीडियो में एक लड़का कार में एक लड़की के साथ इंटीमेट होता हुआ नजर आया था। उस वक्त आर्यन का नाम ही इसमें आया था। हालांकि वीडियो को बाद में फेक करार दिया गया था, लेकिन उस वक्त आर्यन को विवादों में जरूर घसीटा गया था। ये बात साल 2014 की है जब सोशल मीडिया पर एक अश्लील MMS वायरल हुआ था। तब कुछ लोगों ने कहा कि इसमें दिखने वाला लड़का शाहरुख खान का बेटा है, जबकि लड़की अमिताभ बच्चन की नातिन। लेकिन इसके बाद ये खबर आई कि ये MMS फेक था और इसमें दिखने वाले युवा आर्यन और नव्या नहीं थे। आर्यन खान अपनी डेटिंग की खबरों को लेकर भी चर्चा में रहते हैं। आर्यन का नाम कई लड़कियों के साथ जोड़ा जा चुका है। एक समय था जब आर्यन की एक मिस्ट्री गर्ल के साथ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। इन तस्वीरों में आर्यन मिस्ट्री गर्ल के साथ पोज दे रहे थे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ये लड़की लंदन बेस्ड ब्लॉगर थी, लेकिन इस बात पर कोई कंफर्मेशन सामने नहीं आया था। मुंबई मिरर की एक रिपोर्ट के मुताबिक कुछ लोग इस लड़की को आर्यन की गर्लफ्रेंड बता रहे थे, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है जब आर्यन किसी मिस्ट्री गर्ल के साथ दिखे हो। इससे पहले भी वो कई बार अलग अलग लड़कियों के साथ नजर आ चुके हैं। जब लोगों को इस बात का पता चला था कि द लायन किंग के हिंदी वर्जन में सिम्बा की आवाज शाहरुख के बेटे आर्यन ने दी है, तो उन्हें सोशल मीडिया पर काफी आलोचना का सामना करना पड़ा। लोगों ने कहा कि शाहरुख खान ने नेपोटिज्म का नया आविष्कार किया है। वेल, तब आर्यन को स्लैम करते हुए लोगों ने नेपोटिज्म का मुद्दा उठाया था। 2 अक्टूबर 2021 को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम NCB ने मुंबई से गोवा जा रही क्रूज शिप पर छापा मारा। इस शिप में भारी मात्रा में कोकेन, MD, MDMA और चरस बरामद किए गए हैं। पार्टी में कई बड़े बड़े लोग शामिल हुए थे, जिसमें बॉलीवुड से लेकर फैशन और बिजनेस इंडस्ट्री से जुड़े लोगों का नाम सामने आया। इस लिस्ट में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का नाम भी शामिल था, जिन्हें NCB ने हिरासत में ले लिया और फिलहाल इस मामले में उनसे पूछताछ की जा रही है। आज तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बात सामने आई है कि आर्यन ने ड्रग्स कंज्यूम किए और उन्होंने उनका लेन देन भी किया, लेकिन फिलहाल अभी इस पूरे केस में फाइनल रिजल्ट अभी आना बाकी है। शाहरुख खान के छोटे बेटे अबराम का जन्म सरोगेसी के जरिए हुआ था, लेकिन अबराम के जन्म से ही एक विवाद पैदा हो गया था। तब ये अफवाह उड़ी थी कि ये बच्चा आर्यन खान और उनकी रोमानियन गर्लफ्रेंड का है, लेकिन बाद में सब क्लियर हो गया था। यहाँ तक कि इस बात पर शाहरुख ने भी ट्रोलर्स को स्लैम करते हुए इस बात का खंडन किया था। वेल, तो ये थे आर्यन खान से रिलेटेड कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज। इन पर आप हमें बताइए अपनी राय। ऑल्सो डू लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू बॉलीवुड नाउ ऑन Facebook, Instagram एंड YouTube।